सभी को मेरा नमस्कार। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ पर्यायवाची शब्द, जैसे कि पानी। पानी का पर्यायवाची होता है जल, वारी, नीर, तोय, सलिल और अंबु। आकाश का पर्यायवाची होता है व्योम, शून्य, गगन, अंबर, आसमान, अंतरिक्ष, नभ, धाव और अनंत। हवा का पर्यायवाची शब्द होता है पवन, वायु, समीर, अनिल, वात, मरुत, पवमान, बयार, प्रकंपन और समी। सांप का पर्यायवाची होता है सर्प, नाग, विषधर, व्याल, भुजंग, उरग, अहि और पन्नग। जंगल का पर्यायवाची होता है वन, कानन, बीहड़, विटप और विपिन। घर का पर्यायवाची शब्द होता है गृह, सदन, आवास, आलय, गेह, निवास, निलय और मंदिर। अमृत का पर्यायवाची होता है सुधा, सोम, पीयूष, अमी और जीवनोदक। असुर का पर्यायवाची होता है राक्षस, दैत्य, दानव, निशाचर, दनुज, यातुधान, निशिचर और रजनीचर। अग्नि का पर्यायवाची होता है आग, अनल, पावक और वन्हि। अश्व यानी कि घोड़ा का पर्यायवाची होता है घोड़ा, हय, तुरंग, वाजी, घोटक और सैंधव। आकाश का पर्यायवाची तो हमने देख ही लिया था, गगन, नभ, आसमान, व्योम, अंबर, धौ, अंतरिक्ष और अनंत। आँख का पर्यायवाची होता है नेत्र, दृग, नयन, लोचन, चक्षु, अच्छी, अंबक, दृष्टि और विलोचन। जैसे बोलते ना धूम्र विलोचन नयना, तो ऐसे वाला विलोचन। इच्छा का पर्यायवाची होता है आकांक्षा, चाह, अभिलाषा, कामना, ईप्सा, मनोरथ, स्पृहा, ईहा और वांछा। इंद्र का पर्यायवाची होता है सुरेश, देवेंद्र, देवराज, पुरंदर, सुरपति, मघवा, वाशव और महेंद्र। ईश्वर का पर्यायवाची होता है प्रभु, परमेश्वर, भगवान और परमात्मा। कमल का पर्यायवाची होता है जलज, पंकज, सरोज, राजीव, अरविंद और नीरज। जो नीर में रहे यानी जल में रहे उसे बोलते हैं नीरज। गर्मी का पर्यायवाची होता है ग्रीष्म, ताप, निदाध, निदाघ और उष्मा। गृह का हमने देख लिया था घर, निकेतन, भवन, आलय, निवास, गेह, सदन, आगार, आयतन, आवास, निलय और धाम। गंगा का पर्यायवाची होता है सुरसरी, त्रिपथगा, देवनदी, जाह्नवी और भागीरथी। चंद्र का पर्यायवाची होता है चांद, चंद्रमा, विधु, शशि, राकेश, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर, सारंग, निशाकर, निशापति, रजनीपति, मृगांक और कलानिधि। जल का पर्यायवाची हमने देख लिया है। नदी का पर्यायवाची देखते हैं, ये होता है सरिता, तटिनी, तरंगिणी, निर्झरिणी, आपगा, निम्नगा, कूलंकषा। और पवन का हमने देखा था वायु, समीर, हवा, अनिल। पत्नी का पर्यायवाची होता है भार्या, दारा, अर्धांगनी, वामा, गृहिणी,
बहु, वधु, कलत्र और प्राण पिया प्रिया। पुत्र का पर्यायवाची होता है बेटा, सुत, तनय, आत्मज, जनज, लड़का और तनुज। तो ये कुछ थे, इसके आगे के हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।